हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। आधे परसेंट की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। एक बजे के आसपास का टाइम हुआ है और ये जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। आज के दिन भी अगर देखें तो 912 के आसपास का प्राइस, हालांकि तेज़ी लाने की कोशिश हो रही थी, 917 के आसपास का हाई बनाया था इसने। वॉल्यूम आज भी इसके अंदर कम है पिछले दिनों के मुकाबले। अगर देखें यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम था, यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम था, बीच बीच में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वॉल्यूम घटा था। अब वापस से थोड़ा सा वॉल्यूम घटा है, इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सुस्त पड़ा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह दिख रही है कि नीचे नहीं जा पा रहा है। अब 15 मिनट का चार्ट देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की थोड़ी सी तेज़ी दिखाने की कोशिश तो की। आज के दिन ऐसा नहीं है कि सीधा ऊपर खुला जैसे कि हर रोज़ होता है। यहाँ पर कल के दिन हुआ था ऊपर खुल के फिर नीचे आया है। यहाँ पर यहाँ इसी लेवल के आसपास खुला, उसके बाद एक बाउंस बैक देने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाया। उसके बाद अभी ये यहाँ पर कामकाज हो रहा है। और वॉल्यूम जैसे कि हमने देखा यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम था जब ये तेज़ी आई थी, लेकिन बाद में अभी फॉलो अप बाइंग नहीं आ पा रही इसके अंदर। यहाँ पर देखिए तो वापस से वॉल्यूम घट गया है। अब यहाँ पर हम आगे देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो जैसे कि कल भी हमने बात की थी और जो है कुछ लेवल्स को पार कर दे तो अच्छा रह सकता है। ये 9 हफ्ते का मूविंग एवरेज लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है, बिकॉज की थोड़ी सी सुस्ती बनी हुई है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर ये 5 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर भी थोड़ी सी क्लोजिंग दे दे, 915, 917, 18 के आसपास, तो भी अच्छा रह सकता है। अभी इसी लेवल के आसपास का प्राइस चल रहा है, तो इस लेवल को भी नोट करके रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है जब से इसको तोड़ा है यहाँ पर, उसके बाद ये स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। सिर्फ एक बार था जब यहाँ पर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की थी 9 वीक का मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन 5 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी थी लेकिन थोड़ी सी, उसके बाद वापस से नीचे आया था। तो इस हफ्ते भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है, क्योंकि थोड़ी सी अभी वीकनेस चल रही है इसके अंदर। लेकिन अच्छी बात है कि ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है। बुलिंजल बैंक को देखें तो अभी जो इसकी मिडिल लाइन है उसको पार करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो अगर ये पार हो जाता है जैसे कि हमने बात की 915-17 के आसपास, 917-18 के आसपास क्लोजिंग दे दे, तो अगले हफ्ते जो है 950 और उसके भी ऊपर जाने की संभावना इसकी रह सकती है। और अगर तेज़ी आती है तो अभी भले ही ये फ्लैट है ये लाइन, इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, फिर ये ऊपर भी कर्व ले सकती है। और MACD को देखें तो इसके अंदर तो स्ट्रेंथ दिख रही है लेकिन हल्की सी, ज़्यादा नहीं। और आगे हम देखें, अब एक चीज़ यहाँ पर और अच्छी यहाँ पर दिख रही है वो है कि जब से ये तेज़ी आई तब से लेकर अब तक ये 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये कामकाज कर रहा है। आज भी अगर आपने देखा तो उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पर, जैसे कि इस कैंडल को देखें तो ये चीज़ अभी थोड़ी सी पॉजिटिव यहाँ पर दिख रही है। भले ही सुस्त कारोबार हो रहा हो, ये तेज़ी आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अगर कुछ लेवल को ये जैसे कि ये इस दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन कुछ लेवल्स को अगर पार कर दे तो अच्छा रह सकता है। साथ जैसे कि हमने बात की, और एक तो 9 वीक का मूविंग एवरेज है, लेकिन अगले हफ्ते वो 9 वीक का मूविंग एवरेज अभी वो लाइन नीचे आ रही है तो थोड़ी सी और नीचे आ सकती है। तो जब भी उसको पार करेगा तब इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है पिछले दिनों के जो अभी स्ट्रेंथ कम यहाँ पर लग रही है वो। तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखें तो यहाँ पहला जो है सपोर्ट दिख रहा है 900 रुपये के आसपास का, उसके बाद 875 से लेकर 850 का जोन, जो कि पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, अभी भी यही सपोर्ट दिख रहा है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 810 रुपये का जो जोन है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। और रजिस्ट्रेंट की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेंट डेफिनेटली 930 रुपये, उसके बाद देखें तो 950 से लेकर 980 और 1000 का लेवल अभी ये जो है इसके रजिस्ट्रेंट दिख रहे हैं। 1000 को जब भी ये पार करेगा तब इसके अंदर 1100 और उसके बाद और भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो शाम को इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे क्या वॉल्यूम के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलती है या नहीं, वो देखना बनता है। क्योंकि अभी और कुछ नहीं है, वॉल्यूम के अंदर कमी है यही यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेडर किसी बात का वेट कर रहे हो। और पॉजिटिव चीज़ क्या दिख रही है, पिछले दिनों में यहाँ पर भी अच्छा वॉल्यूम था जब इसके अंदर ये गिरावट आ रही थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा जो है एक डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा खासा तब दिख रहा था, तब भी हमने बात की थी। तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इस वीकेंड के ऊपर, तो वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके अंदर अगर आपकी होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल पर, इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो आज के दिन दोपहर के बाद क्या होता है देखना बनता है, और शाम को डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है, फिलहाल तो यही यहाँ पर दिख रहा है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।